नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डबल न्यूज। इस समय मौजूद है बुराड़ी विधानसभा में। आज क्रिसमस का दिन है और कुछ लोगों ने, कुछ समाज सेवी हमारे साथ, जिन्होंने बच्चों को मिठाइयाँ, बिस्कुट और पेन और पेंसिल, किताबें बांटी हैं और शिक्षा का इन्होंने कहा है कि उसको बढ़ावा देना है। जी सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक गुप्ता, समाज सेवी बुराड़ी विधानसभा से। दीपक जी, कुछ बच्चों को हमने देखा, जैसे आपने किताबें पेंसिल बांटी हैं, तो क्या रहा? देखिए, आज उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा ये प्रोग्राम हुआ। इसके संस्थापक है पद्म सिंह पारस जी, तो इन्होंने इसको बढ़ावा दिया और एक ट्रस्ट आज, मतलब नया उदय भारत का उदय हुआ है इस ट्रस्ट का। तो इन्होंने आज पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर और बिस्किट बच्चों को देके प्रोत्साहित किया, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है काफ़ी। यहाँ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, यहाँ काफ़ी स्लिम इलाका है। और वैसे ये इलाका बादली विधानसभा लगता है, ठीक है, हमारा बॉर्डर है बुराड़ी और बादली का, बिल्कुल ये तो है। तो हमारे भाई छोटे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आगे इसको शिक्षा को बढ़ाएं और इसका बढ़ावा दें। और जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का की जगह के नाम से हमने यहां मूर्ति स्थापना इन्होंने करा रखी है, तो डॉक्टर साहब भीमराव जी को कौन नहीं जानता। तो मेरी बड़ी इच्छा रहेगी इस जगह के लिए कुछ ना कुछ भविष्य में जल्दी जल्दी कुछ किया जाए और अच्छे से अच्छा बेस्ट करें। स्लम एरिया के बच्चे हैं, काफ़ी परेशानी होती है, सरकारी स्कूलों की हालत आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या इस क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे उनके लिए? हाँ बिल्कुल करूँगा जी। मैं अगर, देखिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर उसमें विनर हुए तब भी और नहीं हुए तो समाज सेवी के नाते, क्योंकि मैं दोनों मैं प्राथमिकता दूंगा, मैं समाज के नाते भी करूंगा इस काम को। एक और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, इनसे भी जानेंगे, इन्हीं का ही जो फाउंडेशन है उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है। जी सर, क्या नाम है? जी पद्म सिंह पारस है मेरा नाम, उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से संस्था है। और ये अभी आज पहली शुरुआत हुई है, पहले जो कॉपी और किताब और पेंसिल से। और स्लम एरिया जिस तरह से आप असेंबली की जो बात बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, शौचालय का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, रात दिन को देर सवेर जब बाहर जाना तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ लोग नेतागिरी तो सब लोग करते सर, राजनेता हैं, लेकिन सामाजिक कामों में कोई आगे बढ़ चढ़ के नहीं बात हो रही। पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं। और हमारा उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट का भी पर्वत रहेगा कि जो सामाजिक कार्य है उनमें हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लें। और आगे जैसा कि हम देख रहे हैं क्लस्टर एरिया है, कितना समय पुराना बना हुआ और कुछ समस्याओं का भी अभाव है? ये 10-12 साल से ज़्यादा पुरानी है झोपड़पट्टी, लेकिन अभी तक किसी आदमी ने इसकी तरफ गौर ही नहीं किया। हमने देखा यहाँ के बच्चों को स्कूल में नहीं जा पाते, इनके एडमिशन नहीं हो पाते, बहुत लोगों के आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड की समस्या है, इसकी वजह से इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इन सब चीज़ों पर काम करें और बच्चों को पढ़ाने का अवसर, मौका मिले और आगे बढ़े। एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या रहा। जी हमारा यही है कि हम लोग गरीब बच्चों की सेवा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको स्कूल भेजेंगे, और जो महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग करेंगे बस। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, एक और समाज सेवी है, इनसे भी जानेंगे कि। जी सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम कुमुद कुमार सिंह है। और आज का जो प्रोग्राम है, कुछ बच्चों को बांटे गए हैं, कुछ किताबें दी हैं, पेन है, पेंसिल है, कुछ मिठाइयाँ भी दी आपने, क्या है सर? ये क्रिसमस का भी दिन है, क्रिसमस का दिन है, तो खुशी का एक तो दिन है। और पारस जी का ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मैं यहाँ इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करूँ बच्चों के लिए, और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और भी इसमें कई तरह के काम करते रहते हैं। तो अब सर्दी का मौसम है, बच्चों का पढ़ने का दिन है, अच्छा दिन होता है इस टाइम पे, तो इन्होंने चाहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, तो इसलिए इन्होंने कॉपी, पेंसिल और बिस्किट वितरण का कार्यक्रम किया। तो क्या अम्बेडकर जी की राह पर चलते ही आप इन बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं। और मैं पारस जी से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह का सहयोग चाहिए हो किसी स्कूल में, मैं एक शिक्षा संस्थान में काम करता हूँ, तो अगर मेरे से भी कोई सहयोग चाहिए हो, या दीपक भाई हैं तो काफ़ी सक्रिय नेता हैं हमारे, अगर कैसा भी जरूरत पड़े तो मैं इनके साथ हूँ। एक और समाज सेवी हैं जो उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहन यादव। मोहन यादव जी, कुछ आज कार्यक्रम हुआ है, बच्चों को कुछ पेन पेंसिल बांटे गए, तो क्या है पूरा मामला और किस किस तरह कितने बच्चों को बांटे? आज हमारा टारगेट तो ज़्यादा था, लेकिन अभी हमने खाली 50-60 बच्चों को ही कर पाए, और आने वाले टाइम में हम और अच्छा करेंगे, इसके लिए हमारी तरफ से पूरी संभावना, मतलब तैयारी अभी चल रही है हमारी, और बच्चों को आगे अग्रसर करने के लिए ये कार्यक्रम आज का था हमारा, ताकि शिक्षा के प्रति जागरूक हो।
ठीक, एक और व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, क्या बताएंगे बच्चों को, कुछ मिठाइयाँ बांटी गई हैं, किताबें बांटी गई हैं, तो क्या क्या शिक्षा के ऊपर ही है सर? ये शिक्षा के ऊपर है ताकि बच्चे जुड़ें और ट्रस्ट में धीरे धीरे बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े, ताकि बच्चों का योगदान हो और हम जो ट्रस्टी लोग हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई के आगे के लिए अग्रसर करें, ताकि बच्चे आगे पढ़ें, हमारा देश आगे चले। उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और कुछ समाज सेवी थे हमारे साथ, कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे भी, जिन्होंने बताया कि जैसे भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हर भारत का हर व्यक्ति शिक्षित हो, उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज इन्होंने बच्चों को जो किताबें और पेंसिल बांटनी, ये लोग भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो और पढ़ लिख कर कुछ बने। मैं कुलदीप कुमार, AA News, दिल्ली।